आज पाली ब्लॉक का दौरा हुआ आपका सर? पाली ब्लॉक का जो हमारा चरणबद्ध आंदोलन था, जो 25 तारीख को हमने मानपुर में आंदोलन किया था, जो बस्ती विकास के मद की राशि का माननीय सुश्री मीना सिंह के द्वारा जो घोटाला किया गया है, और अभी हमने जो है पाली में 13 तारीख का हमारा आंदोलन, उसी की एक समीक्षा बैठक थी। गांव गांव हमारे कार्यकर्ता पूरे यहां पे इकट्ठे हुए हैं। गांव गांव जाकर हमारा जो पंपलेट बना हुआ, उस पंपलेट के माध्यम से जन जन तक जागृति फैलाएंगे कि किस तरह से 275 की राशि जो ST SC सब प्लान के तहत जो 1-1 करोड़ रुपये हर एक किसान को आएगी, हर एक ST SC को आएगी, उसकी जानकारी देंगे। बस्ती विकास के मद का जो पंचायतों से बेवसूली जो है, बगैर जानकारी के, बगैर कोई योजना के जो है आधा अधूरा काम करके जो बस्ती विकास के मद का आरंभ किया गया, उसके विषय में जानकारी देंगे। जो हमारे मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, किस तरह से आदिवासी महिलाओं को जो है बलात्कार करके नंगा करके घुमाया गया, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो कांग्रेस में रहें चाहे वो भाजपा में रहें, जो ST SC से चुनकर जाते हैं, इन्होंने कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, कोई आवाज़ खड़ी नहीं की। और इसके साथ साथ में जो जल जंगल जमीन से लगातार कहीं बांध के नाम से विस्थापित किया जा रहा है, कभी कोयले खदान के नाम से विस्थापित किया जा रहा है, कहीं पावर प्रोजेक्ट के नाम से विस्थापित किया जा रहा है, और रोजगार के नाम पर जो है इनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर जो है 13 तारीख को हमने जो 25 तारीख को आंदोलन किया था, उस पर कितना काम किया गया, काम हुआ कि नहीं हुआ, तो हमारा दूसरा चरण जो है पाली विकास खंड में होने वाला है, जिसमें पूरी जनता हमारा सपोर्ट कर रही है। तकरीबन मैं अनुमानित लगा रहा हूँ तो 10 से 20 हज़ार लोग हमारे पाली विधानसभा जो पाली विकास खंड में जो है आंदोलन में शरीक होंगे। और इसके बाद जो अंतिम चरण होगा हमारा 26 सितंबर, जो जिला उमरिया का शहर बंद कर हम हमारे जो विपदा है, हमारे जो अन्याय अत्याचारों को माननीय राज्यपाल और माननीय राष्ट्रपति महोदय, कलेक्टर महोदय के द्वारा हम अवगत कराएंगे कि हम लोग ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसके बाद में हम लोग जो है तीसरा चरण कंप्लीट करने के बाद में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग जो है सतत आंदोलन करते रहेंगे और धरना प्रदर्शन करके शासन प्रशासन की नाक पर दम करके रखेंगे, ऐसा पूरा हमारे क्षेत्रवासियों का कहना है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस पर पुरजोर जो है काम करे जन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम संकल्पित हैं। हम हमारे जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम दृढ़ निश्चित हैं, संकल्पित हैं, और 2023 में जनता का प्यार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिलेगा। और इस बार हम जो है मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं कि इस बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया जाए, और हो सकता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में यदि सभी लोगों ने प्यार दिखाया तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक 2023 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के ऐसे मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की ST SC OBCs की समस्याओं का समाधान करेगा, और गोंडवाना राज्य के लिए एक जन आंदोलन जो है फिर से हम लोग तैयार करेंगे, और इसको जो है हम गुलगुलान के तहत हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बिरसा मुंडा टंटिया मामा ने जो शहीद होकर हमें जो जल जंगल जमीन का जो अधिकार दिया था, हमारी नदियों से रेत निकाली जा रही, हमारे जमीनों से कोयला निकाला जा रहा है, हमारी जमीनों से अरबों खरबों की संपत्ति कमाई जा रही है, कहीं बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नाम से जो है जंगल से ST SC OBC को विस्थापित किया जा रहा है, और बड़े बड़े रिसोर्ट्स जो है वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, सबको बंद करके जो है हम एक अपना आंदोलन जन आंदोलन चला रहे हैं, जिसमें सभी का सहयोग है। और हमें आशा और नहीं पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय जो जनजातियों के संरक्षक होते हैं, हमारी बात को सुना जाएगा, हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, अधिकार हमारे जीने का, अधिकार हमारे जीने का, बोल गुलाम, बोल गुलाम, बोल गुलाम, जिंदाबाद। नमस्कार।